भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा, ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी है, बहुत आरोप सुने हैं दोस्तों, कुछ बचाने ही मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है, और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए, आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं, जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा।